नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फर्रुखाबाद के गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब शादी के लिए रवाना हुई बारात गांव से कुछ दूर जाते ही खाई में जा गिरी। बता दें कि बस चालक के नियंत्रण खोने से बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी, जिसमें दूल्हे के चचेरे भाइयों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर सामने आई। तो इन सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति के बारे में जाना और गंभीर घायलों को फर्रुखाबाद लोहिया अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। सड़क पर एक बस पलट गई है जिसमें यात्री घायल हैं। इस सूचना पर उप जिलाधिकारी के एम्बर, मैं क्षेत्राधिकारी के एम्बर, सर्किल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पाया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है व 14 अन्य व्यक्ति घायल हैं। कन्नौज में नगर पालिका के नाम पर हो रही वसूली के विरोध में ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि ऑटो चालकों का यह आंदोलन अवैध वसूली मांगने पर और ऑटो चालकों के संग मारपीट करने पर हुआ। तो इन चालकों की हड़ताल की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम चालकों को समझा बुझाकर हड़ताल खत्म करने के लिए कहा। इसके साथ ही एसडीएम का कहना है कि ऑटो चालकों की समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाएगा। कानपुर के प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अब से कुछ ही देर में कानपुर पहुंच सकती हैं आनंदीबेन पटेल। वहीं उनके स्वागत के लिए स्कूल में जोरों शोरों से जो छात्र हैं उन्होंने तैयारियां की हैं और खास प्रोग्राम भी बनाए हैं। बता दें कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और अब खबर बस्ती से, जहां टोल कंपनियों को लेकर प्रशासन सख्त लहजे में नजर आ रहा है। इसी के चलते कंपनियों के बैंक खाते शनिवार को सीज कर दिए गए। इस कार्रवाई से टोल कंपनी के अधिकारी सख्ते में हैं, बचाव के तरीके खोज रहे हैं, किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 6 टोल वसूलने वाली कंपनी 100 रुपए के स्टैंप पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 69 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुबंधन कर टोल टैक्स की वसूली कर रही है। 2013 में यह मामला तत्कालीन जिलाधिकारी AK तम के संज्ञान में आया, तो इसके साथ जांच के आदेश दिए गए। फिलहाल कंपनियों पर गाज गिरना तय है। एक टोल प्लाजा के विरुद्ध स्टैंप कमी की आरसी है, उसके क्रम में पूर्व में आंशिक वसूली उनसे करी जा चुकी है। उसके बाद से उसमें हाईकोर्ट में स्टे था, जो अभी जानकारी में आया है कि खारिज हो गया। तो पुनः रिकवरी की कार्रवाई प्रारंभ करी गई है, जिसके क्रम में उनके 2 बैंक खाते खुल किए गए हैं और उनके द्वारा कुछ अभी अपने अभिलेख दिखाने का समय लिया गया है। उसके अनुरूप आदि की कार्रवाई करी जाए। अभी करीब 48 करोड़ 91 लाख की वसूली शेष। हमीरपुर में एक बार फिर से बुलडोजर चला है, जब पुलिस अधीक्षक खुद सड़कों पर मोर्चा संभालते दिखे। आपको बता दें कि हमीरपुर नगर में दिन पर दिन अतिक्रमणकारियों का बोलबाला बढ़ता दिखाई दे रहा है। उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने नगर के बस अड्डे से लेकर कई भीड़भाड़ वाले इलाकों का मार्च किया और व्यापारियों समेत अन्य लोगों को हिदायत भी दी। कानपुर आउटर पर मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे 4 घंटे तक पैसेंजर ट्रेन प्रभावित रही। आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त भी हो गया। यह हादसा चौबीपुर स्टेशन के पास हुआ। फिलहाल किसी को भी चोट नहीं लगी है, साथ ही ड्राइवर मौके से फरार है। शाहजहांपुर जिले में चल रही है अवैध असला फैक्ट्री पर पुलिस ने धरपकड़ की है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर रामगंगा नदी के किनारे तमंचा फैक्ट्री चल रही है। सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और भारी फोर्स के साथ तमंचा फैक्ट्री पर छापेमारी की। यहां पुलिस ने तमंचा बनाते हुए एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तमंचा फैक्ट्री के सभी तमंचे और बंदूक पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए, साथ ही भारी मात्रा में तरह तरह के हथियार मिले हैं। पकड़े गए आरोपी का नाम श्यामलाल बताया जा रहा है। असला फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, हथियारों की बड़ी खेप यहाँ पर बढ़ी गई है। वही बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की संपत्ति पर योगी सरकार का डंडा चलता दिखाई दे रहा है। बिलहौर चौबीपुर पुलिस ने विकास दुबे की 10 संपत्तियों पर ताला लगाया, दुकानों समेत 10 वाहन भी जब्त कर लिया। आपको बता दें कि जब्त की गई कंपनियों में ज्यादातर
कृषि भूमि है, साथ ही विकास दुबे का गेहूं और चावल भी नीलाम कर दिया गया। समर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की एनएम से मारपीट हो गई है। लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि एनएम घायल भी हो गई। आपको बता दें कि मामला डीएम की बैठक को लेकर हुआ था। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। इस वारदात से पुलिस महकमे में सख्ते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।